ये अच्छी तरह से मोटर की नाप लेने के बाद आपको ये बाएं हाथ को ऐसे टाइट करके और दाहिने हाथ से ऐसे टर्न लगाना है। आप लोग देख सकते हैं, ऐसे आपको काउंट करते जाना है 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। देख सकते हैं बिना किसी मशीन की सहायता से ये आप आसानी से बिल्कुल परफेक्ट कॉइल बना सकते हैं, ठीक है। अब ये कॉइल बनाने के बाद आपको अपने तरफ बांधना है। यहाँ देखिए, बांधने के बाद का प्रोसेस बताते हैं कि इसको निकालना कैसे है, निकाल कर और मोटर में भरना कैसे है। ये कॉइल बन जाने के बाद इस कॉइल को एकदम ऐसे निकालना है, ठीक है। ऐसे निकाल कर और ऐसे रख देना है। ये मैं इस पोजीशन में बैठा हूँ, ये कॉइल निकालने के बाद ये मेरे तरफ है, ठीक है, और ये मेरे से अपोजिट तरफ है। तो ये मेरे तरफ है, ये अंदर जाएगा, ऐसे जाएगा, सभी कॉइल अंदर जाएगा, और ये जो बांधे हैं ये ऊपर की तरफ रहेगा। इसी को बस ध्यान में रखना है, बाकी आप इजीली इसको भर सकते। हेलो दोस्तों, ये एक एग्जास्ट फैन का मोटर जला हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। 1440 RPM की मोटर है, 36 स्लॉट का है, 3 फेस की मोटर है ये। और इसका जो बाइंडिंग का टाइप है, सेट बाइंडिंग है इसमें, आप लोग देख सकते हैं, जिसको बास्केट टाइप हम लोग बोलते हैं। तो इसका बाइंडिंग पूरी तरह से जला हुआ है, इसको नया कैसे बनाना है उसके बारे में बताएंगे। चलिए कट कीजिए इसको। कट करने के बाद आप इसको ऐसे एक छोटा सा छेनी और हथौड़े की मदद से आप निकाल सकते हैं, उधर से स्प्लायर से खींच सकते हैं। बाइंडिंग कट करने के बाद आप इस बाइंडिंग को काउंट कीजिए, गिन लीजिए कि कितना इसमें वायर लगा हुआ है, कितना टर्न है। कट करने के बाद उसके बाद आप इसका कोर का लेंथ जो नापेंगे हम लोग, तो 7 सेंटी का इसका कोर का लेंथ है। दोनों तरफ कॉलर निकालने के लिए जो हम लोग ये PVC पेपर डालेंगे, कॉलर निकालने के लिए 0.5 सेंटी से थोड़ा ज़्यादा लेकर आप लोग कट करेंगे PVC पेपर को, यानी 8.5 सेंटी का आप लोग ये PVC पेपर कट करेंगे। इस मोटर का आउटर डाया है 14.5 सेंटीमीटर और इनर डाया इसका 8 सेंटीमीटर। PVC पेपर को कट किया जा रहा है, यहाँ देख सकते हैं PVC पेपर को कट किया जा रहा है, और इस स्केल की मदद से हम लोग स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे और फिर कट करेंगे। इस मोटर बिल्कुल बिना किसी मशीन की ज़रूरत से ये बनेगा, नए टेक्नीशियन के लिए एकदम आसान तरीका से इसमें बताया गया। आप लोग वीडियो को पूरा देखें। ये मेरे टेक्नीशियन कट कर रहे हैं। स्लॉट के हिसाब से एक पेपर पहले काट लेंगे, जो PVC पेपर रहेगा उसमें ऐसे डाल के पहले देखेंगे। ये लोहे की पत्ती है, इसके कॉलर को मोड़ेंगे दोनों तरफ से। बिल्कुल परफेक्ट आया है। इसी तरह पूरे PVC पेपर को कट करके पूरे स्लॉट में हम लोग डालेंगे। देख रहे हैं आप लोग, देख सकते हैं इसमें कॉलर निकल रहा है। PVC पेपर डालने के बाद कॉइल का नाप कैसे करते हैं अब उसको बताने जा रहा हूँ। इसमें 3 कॉइल ग्रुप रहेगा, इसका पीच रहेगा छोटे वाले कॉइल का 1 से 8, 1 से 10 और 1 से 12। ऐसे 3 कॉइल हो जाएगा और इसका कॉलर है दोनों तरफ, इतना लटकेगा। अब कॉइल कैसे बनेगा उसको बताने जा रहा हूँ। ये वायर है 65 नंबर वायर है, 65 टर्न रहेगा, ठीक है। देख सकते हैं आप लोग, बिल्कुल हाथ से बनेगा, किसी पैसा टर्न मारना है।
ये छोटा वाला कॉइल है। ये बीच वाली कॉइल है जो 1 से 10 थी। जैसे आप नए टेक्नीशियन हैं तो किसी चीज़ का सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे को फार्मा वाली मशीन चाहिए, या आप ऐसे बिल्कुल बना सकते हैं। ये थर्ड वाली है 1 से 12 वाली कॉइल, ये भी 65 टन रहेगा। ये थर्ड, फिर छोटे वाले से शुरू करना है। इस कॉइल को काटना नहीं है बीच से, एक में रहेगा 6 कॉइल, 3 कॉइल ग्रुप है, 6 कॉइल रहेगा एक में, एक सेट के लिए 6 कॉइल। इसमें कनेक्शन के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, 3 लीड स्टार कर देंगे और 3 लीड कनेक्शन के लिए 3 फेस के लिए हो जाएगा। 6 कॉइल का एक सेट रहेगा। ये 5वां कॉइल बन रहा है। सबसे पहले छोटा वाला 1 से 8, फिर 1 से 10, 1 से 12, फिर शुरू करेंगे 1 से 8, फिर 1 से 10, फिर 1 से 12। ऐसे इस हाथ को टाइट रखना है और एक हाथ से बाइंडिंग करना है। इधर शुरू में थोड़ा सा एक्स्ट्रा वायर लिया जाता है कि कनेक्शन आप इजीली निकाल सकते हैं। ये छठा कॉइल कंप्लीट हो गया। टक कॉइल कंप्लीट होने के बाद 4 टर्न आप इस पाइप में मारिए कि इससे कनेक्शन निकलेगा। ये 6 कॉइल का एक सेट कंप्लीट हो गया। इसी तरह 2 और बनेगा, सेम इसी तरह 2 कॉइल और बनेगा। ये 1 से 8 वाली कॉइल है, 65 टन रहेगा 65 नंबर वायर से। ये 6 कॉइल का एक एक सेट बन गया है, यानी 3 सेट है 6 कॉइल का, यानी 6 × 3 = 18 हो जाएगा, और 18 × 36 36 स्लॉट के लिए। अब डालने के लिए छोटा वाला से शुरू करेंगे हम लोग, 1 से 8। ये कनेक्शन के लिए इधर निकल जाएगा। इसके बाद स्टिक डाल देंगे। ये जो कॉइल को बांधे हैं ये आगे की तरफ जाएगा, जब भी जाएगा आगे की तरफ जाएगा। ये स्टिक काट के रखे हुए हैं। ये छोटी वाली कॉइल पड़ गई। कॉइल डालने के बाद थोड़ा सा इसको दबा देना है कि नीचे की तरफ बैठ जाए, कि दूसरी कॉइल उसके ऊपर आएगी। मोटर को खोलने के बाद देखना है कि मेरा कनेक्शन किधर है, किधर कनेक्शन निकलेगा, मेन पॉइंट ये है, ठीक है। ये दूसरी कॉइल, ये 1 से 10 वाली कॉइल है, उसके जस्ट पीछे से डाला जाएगा, और आगे वाली इसके आगे, मतलब इसके ऊपर चढ़ेगी। फिर ये इसके आगे वाली स्लॉट में इसमें जाएगा, फिर तीसरी वाली कॉइल इसमें जाएगा, पीछे से एक और आगे इधर एक आगे की तरफ। तीसरी कॉइल ऐसे जाएगा, सेम सब कॉइल सेम ही जाएगा, इसके पीछे से फिर आगे की तरफ, पीछे वाली स्लॉट से। एक सेट में 6 कॉइल थी, 3 डला गई और 3 यहाँ बाकी हैं, इसको आगे बता रहा हूँ। ये तीसरी कॉइल पड़ गई, पहला ये 1 से 8 पड़ा, फिर दूसरा 1 से 10, फिर तीसरा
1 से 12। फिर ये एक कॉइल का सेट बचा, ठीक है। अगर आप चाहते हैं तो इसको यहाँ से कट करके इस कॉइल को बाद में डालते, ठीक है, लेकिन कनेक्शन के टाइम प्रॉब्लम हो जाता है, इसका एंड इसके स्टार्ट से जोड़ना पड़ता है, तो थोड़ा वीडियो में समझ में नहीं आता, इसलिए इसको मैं एक ही में बनाने की कोशिश किया हूँ। 3 कॉइल है, 6 एंड आएगा, जिसमें 3 को स्टार बना देंगे और 3 से कनेक्शन मेरा हो जाएगा, ठीक है। और अब इसको, इस कॉइल को यहाँ रख देंगे, अब इस कॉइल को डालेंगे। इस कॉइल को डालने के लिए ये जहाँ ख़त्म हुआ, इसके जस्ट 2 स्लॉट छोड़ के यहाँ से पड़ेगा, यहाँ से पड़ेगा। ये दूसरी कॉइल की स्टार्ट है, ये दूसरी कॉइल दूसरी सेट का ऐसे जाएगा, ऐसे मुड़ जाएगा इसके जस्ट पीछे, ये जो बांधे है ना ये आगे की तरफ जाएगा, ये जो बांधे है आगे की तरफ जाएगा, देख सकते हैं इसमें सब आगे की तरफ जा रहा है। ये दूसरी सेट का तीसरी कॉइल, इस तरह से कॉइल है, ये ऐसे जाएगा, सभी सेम सेम जाएगा। और ये 3 ठो कॉइल इसके साथ ही लगा हुआ है, ये आप इधर रख देंगे। फिर ये तीसरी सेट का 3 कॉइल पड़ेगा, सब आगे की तरफ पड़ेगा, जो यहाँ ख़त्म हुआ इसके 2 छोड़ के आगे की तरफ पड़ेगा। दूसरा सेट का तीसरा कॉइल ये पड़ गया, ठीक है, और ये 3 ठो कॉइल इधर रख दिए। और अब तीसरा सेट का 3 कॉइल पड़ेगा, वो कहाँ से पड़ेगा, सेम ये पहला पड़ा, ये दूसरा पड़ा, फिर तीसरा, ये 2 ठो छोड़ के छोटा वाला कॉइल 1 से 8, फिर यहाँ से 1 से 10 और 1 से 12। तीसरी सेट की दूसरी कॉइल यहाँ पड़ेगा और ये जो बांधे हैं आगे की तरफ जाएगा, सेम सेम सब में सेम सेम। ये इस कॉइल को पड़ने के बाद आउटर कंप्लीट हो जाएगा, 1 ठो और कॉइल पड़ेगा, उसके बाद बताऊंगा ये 3-3 कॉइल कैसे जाएगा तीनों सेट का। ये तीसरी कॉइल है, ऐसे जाएगा, ये जो भी इधर अपने तरफ है ये अंदर की तरफ जाएगा सब में। ये डालने के बाद कॉइल आउटर कंप्लीट हो जाएगा, बार बार की कॉइलें कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद ये बची हुई 3-3 कॉइल तीनों सेट का कैसे पड़ेगा इसको बताने जा रहा हूँ। तीनों सेट का तीनों कॉइल पड़ गया इसमें, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट किए थे, ये अंदर की तरफ है, ये 1 से 8 हुआ था, फिर ये 1 से 10 और यहाँ से 1 से 12 इसका पीच है, फिर आगे इसका स्टार्ट ये था कनेक्शन, जिसको कनेक्शन करेंगे, और ये एंड था इसका, एंड इस कॉइल का एंड इस कॉइल के साथ है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से कट करके इस कॉइल को अलग कर देता तो फिर कनेक्शन में मोबाइल में समझाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता, जैसे इसका एंड ये जो आता छोटी कॉइल का जो स्टार्ट होता इससे जोड़ना पड़ता, ठीक है। इसमें 6 कॉइल जो मेरा बना है, इसमें जो मेरा 3 सेट है, 3 सेट का 6 इंड आया है, 3 इंड से मैं कनेक्शन दे दूंगा और 3 को स्टार में चलाऊंगा मैं इसको। अगर आप चाहें तो डेल्टा में भी चला सकते हैं, 6 इंड भी बाहर कर सकते हैं, ठीक है। अब ये कॉइल कैसे पड़ेगा, सभी का स्टार्ट है,
ये एंड इस कॉइल के साथ है, फिर आगे की तरफ भरना है। यहाँ से मैं भरा हूँ 1 से 8, 1 से 10, 1 से 12, और इस कॉइल के साथ ये कॉइल आया है, ठीक है। तो देख सकते हैं आप लोग, ये इस कॉइल से ये इंड है, इंड में ये 3 कॉइल हैं, ठीक है। इसको डालने के लिए इसके आगे वाले कॉइल के ये यहाँ से डालाएगा, इसी तरह आगे की तरफ डालते जाना है, ये एक पीछे फिर आगे। हाँ, तो इस कॉइल का एंड हुआ, ठीक है, और ये दूसरे जो मेरा सेट है कॉइल का, यहाँ से आके इसके आगे से ढलाए, ये कॉइल यहाँ से ये पड़ गया। फिर दूसरा जो मेरा है पहला सेट का, यहाँ से और इसके आगे इसमें पड़ेगा, और तीसरा इसमें से इसमें पड़ेगा। ये 3 कॉइल पड़ गई पहला सेट की, जो 3 बचा हुआ था। ये दूसरा सेट का ये इंड था, दूसरा सेट का इंड में ही ये 3 कॉइल था। अब इसको डालने के लिए ये है, यहाँ से पड़ेगा, ठीक है। दूसरे कॉइल का जो 3 डाले थे उसके आगे से पड़ेगा, यहाँ से सेम पड़ेगा सब। तीसरी सेट का ये 3 कॉइल पड़ने के बाद ये जो बचा था, ये छोटी वाली कॉइल, इसमें आगे की तरफ, ये आगे की तरफ, इसमें फिर आगे इसमें जाएगा, फिर यहाँ से 10, फिर यहाँ से 12, उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा मेरा ये। तीनों सेट का 6-6 कॉइल कंप्लीट होने के बाद हम लोग इसको अब बांधेंगे। तो बांधना जिधर से कनेक्शन निकलेगा उसके अपोजिट साइड से बांधना शुरू करेंगे, ठीक। इसको आप पलट देंगे, इसमें ग्रीन पेपर लगा के कॉइल को अलग करेंगे। तो अभी दिखाते हैं कैसे ग्रीन पेपर इसमें लगेगा, एक दूसरे से कॉइल को अलग करेंगे ग्रीन पेपर लगाकर। ये अंदर वाली कॉइल है, ये बाहर वाली कॉइल है, बस इन्हीं दोनों को अलग करना है। ठीक है, अब इसको बांधना शुरू करेंगे, सभी कॉइल में लगा के बांधेंगे। ये कनेक्शन के जो अपोजिट साइड है इधर बांधा गया, अब इसके कनेक्शन के साइड बांधा जाएगा। छह कॉइल एक साथ एक सेट में करने से ये फ़ायदा है कि ये जो स्टार्ट वाली सिरा है ये मेरी कनेक्शन के लिए 3 फेस के लिए हो जाएगी, ठीक है। और ये जो अंदर की तरफ इंड वाली सिरा है इसको स्टार में कर दूंगा, ठीक है। आप चाहें तो डेल्टा के लिए ये 6 लीड भी निकाल सकते हैं, स्टार और डेल्टा दोनों इसी से बन जाएगा, 6 लीड बाहर आ जाएगा, लेकिन मेरे को स्टार पे चलाना है इसको। तो इस तीनों वायर को एक में कर देंगे, ठीक है, इस वीडियो में आगे बता रहे हैं। इसमें पाइप डालने का तरीका यह है कि कहाँ कनेक्शन निकालना है आपको, जहाँ कनेक्शन निकालना है उसी के हिसाब से पाइप को नाप नाप के हम लोग काटेंगे। देख सकते हैं ये अंदर की तरफ जो वायर आया है इसको स्टार बनाना है मेरे को। तो यहाँ इसका पॉलिश, इस वायर का पॉलिश हटाएंगे, इसी तरह बारी बारी से तीनों तार का पॉलिश हटा देंगे और एक ही में इसको मैन देंगे। एक्स्ट्रा वायर को कट कर देंगे, ये स्टार करके अंदर इसको दबा के इसी में बांध देंगे। ये जो बाहर की तरफ मेरा वायर है ये कनेक्शन के लिए हो जाएगा, जिसमें 3 फेस सप्लाई देंगे।
ये तीनों मेरा फेस के लिए हो जाएगा। पॉलिश हटाकर इसको लपेटना है, ठीक है। अच्छी तरह से पॉलिश साफ करने के बाद ही इसको इसमें टर्निंग करना है। आप चाहें तो इसको सोल्डिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छी तरह से टैपिंग कर लेना है। टैपिंग करने के बाद मोटा वाली ये पाइप डाल देना है, ठीक है। फिर बाद में इसको बांध देंगे। स्टार वाली तीन लीड अंदर टैपिंग करके बांधने के बाद ये तीन वायर निकला जिसमें हम फेस की कनेक्शन करेंगे, ठीक है। अब इसमें इंसुलेशन के लिए वार्निश डाल के इसको स्टिक को अंदर की तरफ दबाएंगे। उसके बाद रोटर को डालेंगे इसमें। पहले हाथ से नचा के देखेंगे फ्री चल रहा है कि नहीं, उसके बाद लाइट इसमें देंगे। अभी तो फ्री चल रहा है। ये शाफ्ट पे लॉक है। इस एग्जॉस्ट फैन का साइज 30 इंच है। फाइनली दोस्तों इसमें जाली लग चुका है। फिर चला कर दिखाते हैं आपको। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। इस तरह की इलेक्ट्रिक मोटर से रिलेटेड आपको वीडियो मिलती रहेगी। देख सकते बहुत हवा है।